आओ हुण आपां श्रेया नेगी पासों हिंदी स्पीच सरवण करते हाँ। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को 1469 को राय बोई दी तलवंडी वर्तमान में शेखपुरा ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर हुआ था। गुरु नानक जी के पिता मेहता कल्याण दास जी, जो कि मुख्यतः मेहता कालू के नाम से भी जाने जाते थे, राय भुलार के यहाँ एक मुख्य लेखाकार के रूप में कार्य करते थे। गुरु नानक जी की माता तृप्ता एक बहुत ही साधारण एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन नानकी जी, जो अपने छोटे भाई को यानी गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करती थी। गुरु नानक देव जी एक अद्भुत एवं विलक्षण बालक थे। भगवान ने उन्हें एक गहन सोच वाले मस्तिष्क एवं तार्किक सोच से नवाजा था। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा सीखी। उन्होंने दैवीय चीजों के प्रति अपनी अलौकिक एवं अद्भुत ज्ञान से अपने शिक्षक को आश्चर्यचकित कर दिया था। 13 वर्ष की आयु में वे फारसी एवं संस्कृत भाषा के ज्ञाता हो गए थे। 16 वर्ष की आयु में वह पूरे क्षेत्र में तेजस्वी विद्वान के रूप में समाज के सामने आए। उनका विवाह माता सुलक्षणी जी से हुआ, जिनके 2 पुत्र श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद थे। पंजाब में विभिन्न स्थानों का प्रवास करने के पश्चात उन्होंने देश और विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों के प्रवास करने का निर्णय किया। ये प्रवास गुरु नानक देव जी की 4 उदासी के रूप में जानी जाती है। इस दौरान गुरु नानक साहिब ने विभिन्न धार्मिक स्थलों का प्रवास किया एवं सिक्खी के उपदेश दिए। उन्होंने कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, जोशीमठ, रीठा साहिब, गोरखमत्ता आदि इन सभी स्थानों का प्रवास भी किया। गुरु नानक साहिब जी मुस्लिम धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। इस परिपेक्ष में वे मक्का, मदीना, बगदाद, मुल्तान आदि भी गए। कई ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि वे मक्का समुद्री रास्ते से गए। प्रवास का मुख्य उद्देश्य लोगों में ईश्वर की सच्चाई और एक राष्ट्र केंद्रित विचार के प्रति जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने सिख धर्म के विभिन्न उपदेश केंद्रों की स्थापना भी की। सिख विचार का बीजारोपण निश्चित ही भारत में हुआ, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक है। गुरु साहिब ने स्वयं को एक राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया एवं हिंदुस्तान के विचार बाबर के सम्मुख प्रकट किए। उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुगलों, बाबर के विरुद्ध विरोध का बिगुल फूकने वाले गुरु नानक देव जी ने एक स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया। बाबर द्वारा उनकी गिरफ्तारी सिख इतिहास की दृष्टि से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ है। गुरु नानक साहिब जी करतारपुर शहर, जो कि उनके द्वारा 1522 में बसाया गया था, वहां बस गए और अपना शेष जीवन वहीं पर बिताया। वहां प्रतिदिन कीर्तन एवं लंगर की प्रथा का शुभारंभ किया। जब गुरु साहिब ने देखा कि उनका अंत समय आ गया है, तो उन्होंने अपने भाई लहणा जी को द्वितीय नानक के रूप में 1539 को स्थापित किया, अर्थात गुरु पद प्रदान किया एवं कुछ दिनों के पश्चात सचखंड में 22 नवंबर 1539 को ज्योति जोत समा गए। उन्होंने एक नए तरीके से सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सच्चे ईश्वर अकाल पुरख के प्रवचन दिए। ईश्वर निरंकार है, ईश्वर आत्मा है, रचयिता है, अविस्मरणीय है, जन्म मृत्यु से परे है, काल विहीन